नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील है। मैं आपका अपना चैनल ऑल टेक्निकल प्रिंस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, वीडियो की तरफ चलने से पहले, आपने अभी तक ऑल टेक्निकल प्रिंस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन को ऑन करके बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंच सके। दोस्तों, मैं आज सैमसंग पैनल की 24 इंच की एलईडी टीवी का अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूं। इसके साथ में एक रिमोट आया है, हूबहू सैमसंग टीवी के जैसा है, और एक मेनू गाइड और दूसरा इसके साथ स्टैंड आया है जो एलईडी के नीचे लगते हैं। स्टैंड, ये दो स्टैंड हैं जो एलईडी के नीचे खड़े रखने में काम आते हैं। चलिए, मैं अब चलते हैं अपने टीवी की तरफ। मैं इसको खोल के बता देता हूँ। इसके ऊपर टू ग्लास ऐड हुए हैं। टू ग्लास मतलब दो ग्लास इसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर लगे हुए हैं ताकि इसके ऊपर कोई स्क्रैच वगैरह ना आए। मुझे इस टीवी के साउंड और पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी लगी है। ये 7200 की टीवी पड़ी है और 1 ईयर की वारंटी के साथ में। ये मैं आपको बैक साइड में इसके बता देता हूँ। ऑडियो वीडियो HDMI केबल और कंप्यूटर केबल अटैच है। ऑक्स केबल भी इसके साथ अटैच की हुई है और एक बैक साइड के अंदर USB और एंटीना पिन, बस इतने ही इसमें दिए हुए हैं क्योंकि ये 24 इंच की टीवी है। 32 इंच की लोगे तो इसमें आपको सब डबल मिलते हैं, डबल HDMI, डबल USB। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में 32 इंच टीवी का वीडियो बना के दिया था, उसमें आप देख सकते हैं कि उसके अंदर डबल HDMI और डबल USB दिए हुए हैं। ये देख लीजिए दोस्तों, ये लिखा हुआ है सैमसंग पैनल इनसाइड, मतलब ये सैमसंग पैनल की ही कॉपीराइट है। हूबहू सैमसंग जैसी ही टीवी है ये 24 इंच की। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब पर क्लिक करें। तो चलते हैं हम अब केबल की तरफ। केबल अटैच करते हैं, इसमें चैनल दिखाते हैं आपको, इसकी क्वालिटी और इसका साउंड दोनों बता देते हूँ। ये मैंने केबल अटैच कर रखी है, बस पावर ऑन कर देता हूँ। ये मैंने पावर ऑन कर दिया है। ये देखिए चैनल आ गए हैं, इसमें नॉर्मल HD चैनल चल रहा है जिसमें इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी चल रही है। ये देख लीजिए GTV, ये GTV HD, मतलब इसकी क्वालिटी उससे भी सुपर है। ये देख लीजिए इसकी क्वालिटी, इसका साउंड भी बहुत अच्छा है। मुझे टीवी बहुत अच्छी लगी है।